हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका केवी इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर सेकंड, लेक्चर सेकंड। इसमें आज हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और सतत आवेश वितरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। क्योंकि विद्युत फ्लक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत फ्लक्स के बारे में आपने पहले क्या पढ़ा है कि भाई विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत फ्लक्स किन किन राशियों पर निर्भर करता है, कब विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है, कब विद्युत फ्लक्स मिनिमम होता है, ये सारा हमने जाना। तो मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से उसका फटाफट रिवीजन कर देता हूँ कि विद्युत फ्लक्स इसको डिनोट किया जाता है, विद्युत फ्लक्स को फाई से, फाई ई से भी लिखते हैं कई बार इसको फाई ई से, क्योंकि फ्लक्स दो होते हैं, एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, एक विद्युत फ्लक्स होता है। और ये विद्युत फ्लक्स के लिए हम फाई ई सिंबल का यूज़ करेंगे और चुंबकीय फ्लक्स के लिए फाई बी का यूज़ करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका एक मात्रक बताया था, फ्लक्स का मात्रक वेबर, तो वो थोड़ा बाई मिस्टेक बता दिया मैंने। एक्चुअल में वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, विद्युत फ्लक्स के तो दो ही मात्रक होंगे जो मैंने बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब, है ना, या वोल्ट इनटू मीटर, ये दो मात्रक होते हैं। इसके अलावा वेबर जो मात्रक होता है वो किसका था, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, वो आप चुंबक वाले पाठ में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, ओके। इसको फिर हम आगे ए डॉट बी वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी बराबर, आपको पता है ए बी कोस थीटा होता है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। वेयर थीटा क्या है, वेयर जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल डी एस, ई व डी एस के मध्य कोण है, के मध्य का कोण है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, इसको आप इस तरह से दर्शा सकते हो जैसे कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ये ई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई वस्तु रखी है, ये पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल है एस, ठीक है, इसके किसी अल्पांश क्षेत्रफल, ओके ऐसा था, ये मान लो विद्युत क्षेत्र हो गया यही वेक्टर, और ये है एस वेक्टर, इसका ये अल्पांश ले रखा है इसने, इसका अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, मान लो ये डी एस है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश डी एस का इस तरफ है, मान लो ये डी एस वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, ये विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये थीटा होता है, किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच में ये जो एंगल बनता है ये थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा, ओके। अब मैं चलता हूँ सतत आवेश वितरण के लिए, सतत आवेश वितरण की ज़रूरत क्या है और कैसे सतत आवेश वितरण हम कर सकते हैं। सतत आवेश वितरण वह विद्युत क्षेत्र, समझिए इसको, सतत आवेश वितरण कब होता है। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम आवेश, इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब हम आपको बोले कि किसी वस्तु में, ये एक वस्तु है, इस वस्तु में आवेश का मान है Q बराबर, चलो 1 नैनो कूलम के बराबर आवेश है इसमें, कितना आवेश है इसमें 1 नैनो कूलम के बराबर आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, किसकी संख्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो कि कितनी होगी। मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे n है, ठीक है, आपने क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर n e, तो मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करूँगा Q बटे e से, Q का मान ए 1 नैनो कूलम मतलब कि 1×10⁻¹ इतना होता है नैनो कूलम, बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹। आप मोटा मोटा ले लो, इनको संख्याओं को तो छोड़ दो, चलो पावर का देखिए, पावर का देखिए तो n बराबर आएगा 10⁻¹, ये 19 ऊपर जाएगी, प्लस के 19 माइनस के 9, n बराबर आए लगभग 10⁻¹० इलेक्ट्रॉन, लगभग 10⁻¹० इलेक्ट्रॉन, किसमें, 1 नैनो कूलम आवेश में। 1 नैनो कूलम आवेश बहुत छोटा आवेश होता है जिसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है,
और उसमें 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन होना, मतलब करोड़ों खरबों इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करिए वहाँ पे, ये मान लो एक नैनो कूलम आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करिए। इन सभी इलेक्ट्रॉनों को आप व्यवस्थित करेंगे, जिनकी संख्या कितनी है 10 की पावर 10, ये सारे इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरे जाएंगे ना, तो चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं अभी, तो ये तो मेरे हिसाब से 101 के लगभग बने हैं, ये 100 भी नहीं बने होंगे, 50-60 है। ऐसे आप इसमें ये 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा एरिया कंटिन्यूसली भरा हुआ दिखाई देगा, सतत रूप से भरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें आवेश बिंदु बिंदु के रूप में भरा हुआ है, बिंदु बिंदु नहीं, एक कंटिन्यूसली भरा हुआ दिखाई देगा, कंटिन्यूसली भरा हुआ दिखाई देगा। आप इसमें आवेशों को बिंदु रूप में अलग अलग छांट ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, अब हम इसमें देखें तो ये आवेश कंटिन्यूसली भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आवेश को, इस तरह के आवेश को बोलते हैं सतत आवेश, कंटिन्यूस आवेश। अब इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो या कूलम बल ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हम इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, मतलब अवयवों में बांट देते हैं, जिनको अल्पांश बोलते हैं। इसके सारे अल्पांश इस तरह से प्राप्त कर लिए जाएंगे, उनमें से किसी एक अल्पांश को सेलेक्ट करेंगे। एक अल्पांश को सेलेक्ट करने के बाद ना उस पर आवेश को मान लिया, माना डी क्यू के बराबर आवेश है, तो उस एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर बल ज्ञात करना है या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि एक आवेश पे ये मान लो बिंदु P है, इस बिंदु P पे इस आवेश के कारण बल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, मान लो Q0, ये दूरी R है, तो इधर बल का मान तो हो जाएगा F बराबर K Q0 इंटू DQ बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये तो किसके कारण आया, केवल इस अल्पांश के कारण, इस पूरे पृष्ठ के कारण, इस पूरी वस्तु के कारण या संपूर्ण आवेश के कारण जहाँ पे बल निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी अवयवों के कारण, इसके कारण यहाँ बल, इसके कारण यहाँ बल, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सब के कारण अलग अलग बल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसका सदिश योग करके हम बिंदु P पे परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हुआ, बोरिंग भी हुआ, तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि आप किसी एक अल्पांश के कारण यहाँ पे बल या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो बिंदु P पे, और कलन विधि का उपयोग करके, समाकलन का उपयोग करते हुए जो आपने DF ज्ञात किया है इसका समाकलन कर दो। समाकलन करने के बाद क्या होगा कि ये पूरे सतत आवेश का शुरू से लेकर लास्ट तक का क्या निकाल देगा, यहाँ पे विद्युत बल निकाल देगा। अगर आपने एक रेखीय आवेश लिया हुआ है तो यहाँ पे L लगा देंगे, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इस तरह से मतलब आप करके F बराबर हो जाएगा समाकलन के Q0 DQ बाई R2। तो ये विधि है, विधि क्या है, सतत आवेश वितरण आपको दिया गया है तो उसमें से उसको अवयवों में डिवाइड कर लीजिए, आवेश को अवयवों में से उसका किसी एक अल्पांश को सेलेक्ट कर लो। आप स्वेच्छित रूप से किसी भी अल्पांश को ले सकते हो, एक अल्पांश ले लिया, उस अल्पांश के कारण दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या विद्युत बल जो भी करना है आपको, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करके वो वैल्यू ज्ञात कर लो, विद्युत बल की या विद्युत क्षेत्र की। वो अल्पांश के कारण विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र होगा, मान लो आपने बल ज्ञात किया तो DF होगा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया तो DE होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण आयतन या संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण आपको उस पर बल या विद्युत क्षेत्र निकालना है तो क्या करना है, समाकलन कर देना है। समाकलन करने से पूरे पृष्ठ के कारण उस बिंदु पर डिजायर्ड फोर्स या डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। तो अब हम सतत आवेश वितरण को उनकी विमाओं के आधार पर, आवेशीय जो वस्तु है जिसके अंदर आवेश है उसके आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। वो एकविमीय हो सकता है, वो द्विविमीय हो सकता है, और वो त्रिविमीय भी हो सकता है। चलो देखते हैं इसको भी कैसे है। सतत आवेश वितरण की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। सतत आवेश वितरण एकविमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है और त्रिविमीय हो सकता है, ठीक है ना। एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एकविमीय का मतलब 1D, जिसको बोलते हैं 1D, वन डायमेंशनल, 2D,
3D ऐसे। एक विमीय का मतलब इसमें केवल आवेश का वितरण एक ही अक्ष के अनुदिश होगा, या तो वो एक्स अक्ष के अनुदिश हो सकता है, या वो वाई अक्ष के अनुदिश हो सकता है, या जेड अक्ष के अनुदिश। द्विविमीय में क्या होगा कि आवेश का वितरण दो अक्षों से मिलकर बनने वाले तल पर होगा। दो अक्षों से मिलकर बनने वाला तल, देखो जैसे कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है आपका, है ना। आवेश का वितरण एक्स और वाई से मिलने वाले ये वो जो तल बनेगा ना, इस तल में हो सकता है, इसको बोलते हैं बच्चों एक्स वाई तल। क्या बोलते हैं इसको? एक्स वाई तल। वाई और जेड तल, ये वाई जेड तल होता है, और ये जो बच गया इधर आपका, ये वाला बचा हुआ, ये होता है एक्स जेड तल। इस तरह से दो अक्षों से मिलके जो पृष्ठ बनता है, दो अक्षों से मिलके जो पृष्ठ बनता है उसको बोलते हैं 2D तल, ठीक है। अच्छा, 3D में क्या होगा? 3D में एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों से मिलके एक 3D इमेज बनती है, त्रिविमीय वस्तु बनती है, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, इस तरह से, हाँ ठीक है। तो इसका हम नाम देंगे इसको रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा के अनुदिशी होगा एक विमीय में, तो इसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। एक आवेश ये हो गया। दूसरा आवेश वितरण जो 2D में होता है, उससे एक पृष्ठ का निर्माण होगा, तो आवेश पूरे पृष्ठ पर फैलेगा, तो इसको हम नाम देंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा है त्रिविमीय वस्तु में आवेश तीनों दिशाओं में फैलेगा, तो इसको बोलेंगे तीनों दिशाओं से बनता है आयतन, तो आयतन आवेश वितरण, आयतनीय या आयतन आवेश वितरण, ठीक है, दिख रहा है ये लो। इस प्रकार का ये इस प्रकार तीन तरह से आवेश को वितरित कर सकते हैं। थोड़ा डायग्राम देखिए, रेखीय आवेश वितरण, मान लो ये कोई रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है, ये मान लो एक रेखा है, इस रेखा पे ही आवेश फैला हुआ है, ऐसे, ठीक है, इस पे आवेश का मान क्यू है, इसकी लंबाई का मान एल है, ऐसे, ठीक है, कैपिटल एल ले लो। पृष्ठ में क्या होगा, आप एक पृष्ठ बना लीजिए, ये एक पृष्ठ बना लिया ABCD, इस पे क्यू आवेश फैला है एक समान रूप से, एक समान रूप से क्यू आवेश का वितरण कर दीजिए। इसका क्षेत्रफल मान लो, इसका क्षेत्रफल A के बराबर है, तो इस तरह से A क्षेत्रफल पे क्यू आवेश फैला है। इसकी बात करें, यहाँ पे आप एक घन या घनाभ बना लो, सबसे अच्छा रहता है घन और घनाभ का एग्जांपल लेना, ये बना लिया घन और घनाभ, इसका आयतन है वी के बराबर मान लो, और इस पे आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, उसकी जो वैल्यू है मान लो क्यू के बराबर है, कैपिटल क्यू आवेश या स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से इस पे फैला हुआ है। तो इस प्रकार का इस तीन प्रकार का आवेश वितरण हो गया, दिख रहे, ठीक है ना। एक विमीय एक रेखा के अनुदिश होगा, तो उसको रेखीय आवेश वितरण, अर्थात यदि क्यू आवेश एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से फैला है, तो उसे बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। या संपूर्ण आवेश यदि किसी रेखा के अनुदिश फैला हुआ एक समान रूप से, तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण में यदि क्यू आवेश या संपूर्ण आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है, तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, और यदि क्यू आवेश किसी आयतन वी पर एक समान रूप से फैला हुआ है, तो उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इनसे एक एक क्वांटिटी निकल के आती है, इनसे कौन कौन से वैल्यू निकल के आते हैं। रेखीय आवेश वितरण से वैल्यू निकल के आएगी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, इसको सिंबल लैम्बडा से दर्शाएंगे, बात करेंगे अभी क्या होते हैं ये। इससे वैल्यू निकल के आएगी आपकी पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं, और यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी आयतन आवेश घनत्व, ठीक है भाई, इसको आप रो से दर्शाएंगे, ठीक, ओके। ये तीन प्रकार का आवेश घनत्व हो गया। रेखीय आवेश वितरण में इकाई लंबाई पे आवेश का मान रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश का मान रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा, इकाई आयतन पर आवेश का मान आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, समझ आई बात। चलो वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, फिर समझ आएगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके ले लो, 1 2 3 हो गया, ओके। नंबर है 1 रेखीय
आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से लिखते हैं। चलिए बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना क्यू आवेश एल लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, ओके। इस तरह से ये मान लो कोई एल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ये एल के बराबर है। इस पे स्मॉल क्यू आवेश, जैसा कि लिखा गया है, ये स्मॉल क्यू आवेश है, एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, एकांक लंबाई पर आवेश का मान रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। कैसे, एल लंबाई पे आवेश का मान कितना है, क्यू। एकांक लंबाई पे आवेश का मान कितना हो जाएगा, क्यू बाय एल, अर्थात लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एल। ठीक है, जितना आवेश उसमें लंबाई का भाग दे दो, इकाई लंबाई के लिए आवेश घनत्व का मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है भाई क्यू बाई एल, रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाने का। ठीक है, अच्छा, और देखो कि भाई मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक है वो आवेश बटे लंबाई से आएगा, तो आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इस तरह से कूलाम बटे मीटर ये इसका मात्रक होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलाम मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। कई बार क्या होता है कि ये सतत आवेश वितरण जो है, रेखीय आवेश को इस रेखा पर सतत आवेश के रूप में वितरित किया गया है, कंटिन्यूसली आवेश वितरित है, तो आप क्या करेंगे कि इसको अल्पांश में बांट लेना, इसको अवयवों में बांट लेना, और उसका ये एक अवयव तुमने ले लिया, कोई भी अवयव ले लो जिस पे आवेश को आपने मान दिया कि dq के बराबर है, और इस अवयव की जो लंबाई है ये dl के बराबर मान लेते हैं, कि अवयव की लंबाई dl है और अवयव पे आवेश का मान dq है, तो भी लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो भी लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी dq बाई dl के रूप में। ठीक है, dq बाई dl, और आवेश वितरण यदि समान है, यदि सम्मित आवेश वितरण है तो लैम्ब्डा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, लैम्ब्डा नियत रहता है। मतलब इकाई लंबाई के लिए आप इसके dl लंबाई के टुकड़े कर दो, dl लंबाई का टुकड़ा ये, dl का ये, सब पर आवेश का मान समान रहे। सतत आवेश वितरण अगर सममित रूप से है तो सभी टुकड़ों पर, सभी अवयवों पर जिनकी लंबाई समान है, आवेश का मान भी समान होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व तो भी समान आएगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट या नियत। ठीक है, समझ आ गया होगा इसको, ओके, मिटा रहा हूँ इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। बात करते हैं नंबर दो। आप ऐसा करो ना, इसके साथ ही कंटिन्यूसली मैं इसका विद्युत क्षेत्र भी पढ़ा देता हूँ अभी, और क्या, फिर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। रेखीय आवेश घनत्व तो पढ़ लिया आपने, अब रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, ये टॉपिक ले लो आप अभी कंटिन्यूसली। ठीक है भाई, रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, देखो तो ये आपने रेखीय आवेश लिया था अभी, क्यू आवेश है, इसकी लंबाई है एल, एल लंबाई पे ये आवेश वितरित हो रखा है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये सममित रूप से है, सतत वितरण हो रहा है, मैं इसका एक अल्पांश टुकड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने इसका एक अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश ले लिया मैंने, ये डार्क कर दिया मैंने, इस पे आवेश की वैल्यू है dq और लंबाई है इसकी dl, ओके। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, रेखीय आवेश
घनत्व अभी पढ़ा आपने, लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। यहाँ से आप आवेश की वैल्यू निकाल लो, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल, ये आवेश हो जाएगा। अब आपको इस रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु पे। यहाँ पे एक बिंदु बना दिया मैंने P, ठीक है, तो बिंदु बना दिया P, तो पूरी रेखा के कारण तो एक साथ तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिंदु आवेश नहीं है, ये बड़ा आवेश है, फैला हुआ आवेश है। और विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात करने का जो फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो बिंदु आवेश के लिए पढ़ा है, बिंदु आवेश के लिए। तो इसको क्या कर रहा है, इस पूरी रेखा को छोटे छोटे अवयवों में बांट देंगे और वो छोटे अवयव बिंदु आवेश की तरह ही काम करेंगे। तो मैंने इसलिए इसको डी क्यू डी क्यू डी क्यू इन आवेशों में बांटा और स्वैच्छिक रूप से मैंने एक इसका अल्पांश ये सेलेक्ट कर लिया। इसके कारण मैं पहले इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा जिसका मान होगा dE। इसकी इस बिंदु से दूरी मैं मान लेता हूं r के बराबर है, अल्पांश की बिंदु P से दूरी r के बराबर है, तो dE क्या होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा अल्पांश अल्पांश dQ द्वारा अल्पांश dQ द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्या होगा dQ, dQ के कारण dE, dE बराबर फॉर्मूला क्या है, ये k dQ बाय r स्क्वायर, आवेश dQ है तो dQ रखेंगे यहाँ पे, k dQ बाय r स्क्वायर। सदिश रूप में आप इसको लिखना, तो यहाँ पे दिशा दिखा देना इसकी r कैप, r कैप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब दिशा कैसे ज्ञात करोगे, दिशा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख लेना इधर, है ना, इधर एक परीक्षण आवेश रख के मानना, भाई यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा है और ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश परीक्षण आवेश को क्या करेगा, धक्का लगाएगा, उधर उधर बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, बल की दिशा में बाहर की ओर। अगर यहाँ प्लस आवेश है तो बल किधर लगेगा, बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा इस तरफ, तो आर कैप हो जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश वितरित किया गया होता, ये माइनस क्यू आवेश होता तो ये इसको अपनी ओर खींचता, खींचता तो बल किधर लगता, नीचे की ओर, तो विद्युत क्षेत्र किधर होता, नीचे की ओर। तो इस तरह से आप दिशाएं फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख के चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए dE का मान ये आ गया k dQ / r स्क्वायर। अब dQ का मान, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से मान रख दो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण दो में समीकरण एक से dQ का मान रखने पर, dQ का मान रखने पर ये आ गया dE वेक्टर बराबर, dE वेक्टर बराबर k, dQ का मान क्या है, लैम्डा dL, लैम्डा dL बाय r स्क्वायर डॉट r कैप, ठीक है, ओके। ये dE आ गया किसके कारण, केवल इसके कारण, अब इस संपूर्ण लंबाई के कारण, संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे संपूर्ण रेखीय आवेश द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र, क्या मेथड बताया था मैंने, समाकलन कर देंगे किसका, dE का, तो E बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ dE, ठीक है, E बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ dE, और इसकी जो वैल्यू है वो ये है k तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, लैम्डा dL बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, पहुंच रहा है इधर तक, यस, ठीक है, ये हो गया। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया, E वेक्टर बराबर dE का समाकलन कर दिया, k कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है 9×10⁻¹, उसको बाहर रखा, और लैम्डा dL बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। इसमें आप एक ये समीकरण नंबर तीन लिख के एक और स्टेप लिख सकते हो, यदि आवेश वितरण एक समान है, यदि आवेश वितरण एक समान है तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो लैम्डा नियत होगा, और नियत होने पर ये भी समाकलन से बाहर लिख सकते हैं, तो E वेक्टर बराबर k लैम्डा बाहर, और यहाँ आएगा dL बाय r स्क्वायर डॉट r कैप, ठीक है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया है। अब चूंकि
इसमें जो समाकलन है वो हम पूरी रेखा के अनुदिश कर रहे हैं, इस पूरी रेखा के अनुदिश कर रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है L, तो इसके समाकलन में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नीचे L लिखना पड़ेगा। इसके समाकलन के नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे L से इसको डिनोट करेंगे। L का मतलब रेखा के अनुदिश समाकलन किया, ये टुकड़े ये टुकड़े ये जितने जैसे अल्पांश को जोड़ूंगा मैं DL सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे तो इस पूरी रेखा का मान आएगा, पूरी लंबाई का मान आएगा, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ूंगा तो ये पूरी रेखा या पूरा आवेश प्राप्त हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम किसके आवेश किसके अनुदिश समाकलन कर रहे हैं, रेखा के अनुदिश समाकलन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे L लिखा। और ये जो संकेत है इस संकेत को बोलते हैं जिसमें लिखा गया है समाकलन L, इसका मतलब होता है रेखीय रेखीय समाकल। मैथ वाले बच्चों को अच्छी तरह से पता है ये, इसको क्या बोलते हैं रेखीय समाकल। ये थोड़ा ऊपर दिख देता हूँ मैं इसको, समाकलन के नीचे L लगा दिया, L मतलब लेंथ और ये है समाकल, लेंथ का समाकल हुआ तो मतलब रेखीय समाकल हुआ ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो इसको। ओके चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही आप बल भी ज्ञात कर सकते थे, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया ना, ऐसे ही आप बिंदु P पे बल का मान भी निकाल सकते हो। बिंदु P पे आप बल का मान निकालने के लिए ना बिंदु P पे वो ले लेना, कोई परीक्षण आवेश रख लेना और कूलाम बल का फॉर्मूला लगाना K1Q2R2, बाकी सब तो सेम है, dQ की वैल्यू रख लेना। दूसरा पार्ट देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व ठीक है, ओके, वह विद्युत क्षेत्र, दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं, वह विद्युत क्षेत्र, वह इसके कारण विद्युत क्षेत्र। पृष्ठीय आवेश घनत्व, हम एक पृष्ठ बनाना है, ये एक पृष्ठ बनाया मैंने, ये पृष्ठ बना लिया, चलो ABCD एक पृष्ठ बना लिया, ओके। इस पे इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लो A के बराबर है, कैपिटल A के बराबर इसका क्षेत्रफल है पूरे का, ठीक। और इस पे Q आवेश वितरित हो रखा है, मैं इसको अवयवों में बांटता हूँ, मैं इसको अवयवों में बांटता हूँ, ये इसका क्षेत्रफल है A, कैपिटल A, इसको आप PQRS ये मान लो ना, अरे यार L NOP, अरे ये बिंदु फिर वही आ जाएगा, चलो रहने दो इसको, ABCD मान लो, ABCD इसका मैं क्षेत्रफल ले लेता हूँ, मान लो S के बराबर, S इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये वर्ड मैच कर रहा था इसलिए मैं थोड़ा अलग ले रहा था, Q आवेश है, S क्षेत्रफल है इसका, इसको मैं अवयवों में बांटता हूँ, मैंने इसको अवयव में बांटा, जैसे कि इस तरह से ये अवयव बांट दिया मैंने इसको, है ना, इस तरह से अवयवों में बांट दिया, इसका एक अवयव मैंने यहाँ से अलग किया। देखो ये ऐसे है, ये आपने कोई प्रश्न ले लिया, इसको इस तरह से अवयवों में बांट दिया, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा। अब ये वाला अवयव मैं ले लेता हूँ, मान लो इसका ये वाला ये अवयव मैंने चूज कर लिया, इस पे आवेश का मान है dQ और इसका क्षेत्रफल है मान लो dS, क्या है dS, ठीक है, ओके। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान यदि कोई आवेश एक पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिंबल सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर हो गया आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो देखो dS क्षेत्रफल पे कितना आवेश है dQ, इकाई क्षेत्रफल पे कितना आवेश हो जाएगा dQ बटे dS, ओके ये हो गया। मात्रक देखिए इसका, इसका मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलाम बटे क्षेत्रफल का मात्रक,
दूरी का स्टैंडर्ड मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। इसको आप सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर की पावर माइनस टू। ठीक है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये इसका परिभाषा है, ये इसका सूत्र है, ये इसका मात्रक है। ओके, हो गया। चलो विमा भी लिख लो इसकी, विमा भी लिख सकते हैं, कूलाम आवेश की विमा बटे इसकी विमा। आवेश की विमा होती है A1T1 बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि L2, L2 ऊपर चला जाएगा, A1 L-2 T1, और M तो है नहीं, M0, तो वही हो जाएगा M0, A को लास्ट में लिख लो, M0 L-2 T1 A1। ठीक है, इसकी विमा हो गई। चलिए अब अगर मान लो हमें इसके कारण जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ये तो आप नोट कर लेना फटाफट, अब मैं विद्युत क्षेत्र के लिए लिखूँगा इधर, हो गया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इसके कारण बिंदु P पर इधर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहता हूँ, ये DQ आवेश इससे R दूरी पर है, तो ये अल्पांश बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कितना? DE विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, DE, तो DE का मान क्या होगा? देखो, अल्पांश या अवयव DQ द्वारा R दूरी पर रखे या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, DE वेक्टर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r² · r कैप, ये फॉर्मूला हो जाएगा। r कैप क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। चलिए, तो DQ का मान क्या आएगा? चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा यहाँ पे DQ बाई डी एस अभी निकाला मैंने, यहाँ से DQ बराबर क्या आएगा, या DQ बराबर आएगा सिग्मा DS। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। इस इक्वेशन वन में DQ का मान ये रख दीजिए, ये वाला मान रख दीजिए यहाँ पे, तो इसलिए DE वेक्टर बराबर होगा के सिग्मा DS बाई r² · r कैप। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, किसके कारण? पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण। आगे आप इसमें क्या लिख सकते हो? यदि आवेश वितरण सममित है, एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा है, तो क्या होगा? तो सिग्मा नियत होगा। ठीक है, तथा ये तो इसके कारण हो गया, इसका बाद में यूज करेंगे, ये तो अल्पांश के कारण है। संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र निकालो आप, संपूर्ण पृष्ठ S द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ S द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E वेक्टर, समाकलन करेंगे किसका? DE वेक्टर का। इसका समाकलन करेंगे किसके लिए? पूरे पृष्ठ के लिए, यहाँ पे इस पे S लगा देंगे समाकलन के साथ, ये समाकलन का चिन्ह है, ये सांप जो बन रहा है, ये सांप मतलब सह समाकलन है, ये S पृष्ठ के अकॉर्डिंग समाकलन करेंगे, ये हो गया S। DE की वैल्यू रखो K σ dS/r², के तो कांस्टेंट होता है, ये तो बाहर रहेगा। इसके बाद आप ये लाइन यहाँ लिखना, ये लाइन यहाँ लिखोगे तो सिग्मा भी कांस्टेंट हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट हो गया तो सिग्मा भी बाहर आ जाएगा, K σ, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिशा के साथ में लिखना है इसको r कैप। ठीक है, तो E वेक्टर बराबर आया K σ dS/r² · r कैप। ठीक, खत्म कहानी इसकी, समझ गए? चलो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या बचा? आयतन आवेश वितरण। ये लाइन काम आ जाएगी, इसको मिटाओ मत, इसका यूज हो जाएगा अभी। आयतन आवेश वितरण किसी आयतन वाली वस्तु पर, ऐसी वस्तु जिसका आयतन हो और उस पे आवेश को फैला दिया जाए, वितरित कर दिया जाए, तो इस घटना को बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है,
जैसे कि आयतन के लिए हम क्या सबसे अच्छा ये रहेगा, ये ले लेते हैं घन या घनाभ बना लेते हैं, यहाँ पे घन बना दिया मैंने, तो चलो इसको थोड़ा घनाभ बना दो, इसको लंबा कर दो इधर, ये हो गया आपका घनाभ, ये बन गया घनाभ, ठीक है जी, घनाभ बन गया है। ओके चलो, ये लंबाई हो गई, ओके, ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ऐसे घनाभ है। इस पे इसका जो आयतन है, घनाभ का आयतन वो है वी के बराबर, ठीक है। आयतन क्या होता है वैसे तो एल बी एच ही होगा इसका आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस पे क्यू आवेश फैला हुआ है, आवेश का वितरण है क्यू आवेश, और वो क्यू आवेश एक समान रूप से इस पे फैला हुआ है, ये इस पे क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अवयवों में बांटो, इसके जब अवयव बनाएंगे तो आप इसको छोटे छोटे घनाभों में बांट देंगे। ये एक छोटा सा घनाभ बनाया मैंने यहाँ पे, ये लो, ये एक इसका अल्पांश है, क्या है ये, मैं इधर बनाता हूँ इसको, ये इसका एक अल्पांश होगा, ये इसका एक अल्पांश है जिस पे आवेश फैला हुआ है, उसका मान है डी क्यू, और इसका जो आयतन है वो मान लो डी वी, ठीक है, इसके डी क्यू आवेश पे, डी वी आयतन पे डी क्यू आवेश फैला हुआ है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर आवेश के मान को, आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व रो, ये सिंबल होता है भाई रो का, कहते हैं आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं, ठीक है। तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर आवेश बटे आयतन, क्या फॉर्मूला है, आवेश बटे आयतन, ठीक है। तो रो बराबर होगा, ये वाली लाइन का ना यूज अभी मिटाई दो इसको, तो ठीक है, ये हो गया। रो बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे आयतन, आवेश का मान है डी क्यू, आयतन का मान है डी वी, ठीक है, ऐसे रो लिखते गए। यहाँ से आप डी क्यू का मान भी निकाल सकते हो, डी क्यू बराबर चाहिए आपको तो रो को डी वी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके मात्रक की बात करें, रो का मात्रक, रो का मात्रक क्या होगा, देखो आवेश का मात्रक बटे आयतन, बहुत सिंपल है, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, क्या होता है मीटर क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे मीटर 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 में होते हैं तो मीटर क्यूब बनेगा। इसको आप क्या लिखोगे, कूलाम बटे मीटर क्यूब, या कूलाम इंटू मीटर क्यूब, मीटर की पावर -3, ठीक है भाई। ये हो गए आपके, किसकी बात हो गई, आयतन आवेश घनत्व की बात हो गई है। क्या डेफिनेशन बनी है, डेफिनेशन की शुरू वाली लैंग्वेज देखो क्या लिखोगे, यदि किसी आयतन डी वी पे डी क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो एकांक आयतन पर आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि क्यू आवेश किसी वी आयतन पे एक समान रूप से फैला हुआ है तो उसके एकांक आयतन पे आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो बराबर क्यू बटे वी, या रो बराबर डी क्यू बटे डी वी। मात्रक क्या बताया मैंने इसका, कूलाम बटे मीटर क्यूब, या कूलाम मीटर क्यूब की पावर, मीटर की पावर -3, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, समझ आ गया। अब क्या करना है, अब इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए, ये अल्पांश था, इस अल्पांश के कारण यहाँ पे आपको बिंदु दे दिया कि भाई विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, इस पूरे पृष्ठ के कारण ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है पूरे आयतन के कारण। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको अल्पांशों में बांटोगे, ऐसे ये डी क्यू बहुत सारे अल्पांश होंगे, किसी एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, किसी एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया डी ई, क्या होगा, डी ई वैक्टर बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, यही होगा, इस अल्पांश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र यह होगा, ठीक है। अच्छा जी, आर कैप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, संपूर्ण आयतन के कारण, संपूर्ण आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र,
संपूर्ण आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर समाकलन 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 DE, ठीक है, संपूर्ण आयतन के लिए यहाँ पे V लगा देंगे, बराबर समाकलन V, DE में से K कॉमन है, कॉन्स्टेंट है, सॉरी K क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप, इस तरह से लिखा जाएगा। ये DE की वैल्यू लिख दी यहाँ पे मैंने, K कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर दिया, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, यदि आवेश वितरण एक समान है, यदि आवेश वितरण एक समान है तो रो भी कैसा होगा, नियत, तो रो नियत हो जाएगा। उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र ये लिख सकते हो आप, के और रो को बाहर कर लो, समाकलन वी डी क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप, फिनिश फिनिश, दिख रहा है, ओके वेरी गुड। तो ये हमने पढ़ा आज, क्या पढ़ा आज हमने, सतत आवेश वितरण क्या होता है, सतत आवेश वितरण, और सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार पढ़े आपने, कौन कौन सा, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, लैम्ब्डा सिग्मा रो, मात्रक क्या थे, कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर क्यूब, फिर इनके कारण आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किए। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, फिर पूरे वस्तु या पूरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, किस क्या करके, समाकलन करके, लंबाई के अनुदिश समाकलन को रेखीय समाकल कहते हैं, पृष्ठ के अनुदिश समाकल को पृष्ठीय समाकल, और आयतन के अनुदिश समाकल को आयतन समाकल। ऐसे आपने यहाँ पर ये पढ़ा है, ऐसे समेशन एल भी, समाकलन एल पढ़ा, समाकलन एस पढ़ा, और समाकलन वी पढ़ा, ये समाकलन कहलाता है रेखीय समाकल। क्या बोलते हैं इसको, रेखीय समाकल, लंबाई के अनुदिश, ये पूरे पृष्ठ के अनुदिश हो रहा है तो इसको बोलेंगे पृष्ठीय समाकल। क्या बोलेंगे, पृष्ठीय समाकल। इसको क्या बोलेंगे, आयतनीय समाकल। क्या, आयतनीय समाकल, आयतन के अनुदिश हो रहा है तो आयतनीय समाकल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर नंबर टू में, सॉरी ये लेक्चर नंबर थ्री होगा, ये लेक्चर नंबर थ्री है, और आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ाया जाएगा आपको। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना उसको, थैंक यू।